वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम रवि शंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो गाइस, डेल ने लॉन्च कर दिया है अपना नया लैपटॉप जो कि गाइस एब्सोल्युटली बीस्ट लैपटॉप है, जिसका नाम है गाइस डेल XPS 17, जिसमें गाइस आप लोगों को डिस्प्ले भी बहुत ही अमेजिंग मिल जाता है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। और भी गाइस बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं इस लैपटॉप में, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही मैं इस लैपटॉप का रिव्यू करूंगा और प्राइस, रिलीज डेट और पूरे डिटेल्स सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक के अपडेट्स डेली लाता रहता हूं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और गाइस हम लोग बहुत ही करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में, तो गाइस इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन है, बहुत ही स्लिम सा डिज़ाइन है। और इसका जो पूरा जो मटेरियल से जो बना है वो है गाइस CNC एल्युमिनियम मटेरियल से बना है, जिसको गाइस इस लैपटॉप को और भी ज़्यादा ड्यूरेबल और भी बहुत ज़्यादा शाइनी और वगैरह बनाता है। और गाइस ये जो मटेरियल है ये मैकबुक्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, तो आप जानते होंगे कि मैकबुक का जो क्वालिटी रहता है, बिल्ड क्वालिटी कितना अमेजिंग रहता है, तो सेम मटेरियल गाइस यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अमेजिंग है इस लैपटॉप का, आपको होल्ड करने में बहुत ही प्रीमियम फील होता है बेसिकली। और गाइस ये बाकी लैपटॉप की तरह नहीं है, क्योंकि गाइस बाकी लैपटॉप में प्लास्टिक बॉडी मिल जाता है बहुत सारे लैपटॉप में और स्टील वगैरह, बहुत ही अच्छा प्रीमियम नहीं फील करता है, पर इसमें गाइस बहुत ही प्रीमियम फील होता है अगर इस लैपटॉप को आप होल्ड करते हो अपने हाथों में, और क्योंकि इसका जो CNC एल्युमिनियम से बना हुआ है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट इसके डिस्प्ले के बारे में। जैसा कि मैंने बताया गाइस इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और शायद ही आप कोई लैपटॉप में ऐसे देखे होंगे डिस्प्ले, क्योंकि गाइस इसमें जो डिस्प्ले है आप लोगों को सबसे पहले तो ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन के साथ मिल जाता है, जो कि आप लोगों को स्मार्टफोन्स में मिलते थे, पर अब इसके लिए लैपटॉप में भी मिल जाएंगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की। तो बेसिकली गाइस अगर आप कोई बॉल वगैरह टकरा दिए, बॉल तो ऑब्वियसली आप खेलोगे नहीं लैपटॉप के साथ, पर मान लो भाई मिस्टेक लग गया बॉल वगैरह, तो ये टूटने वाला नहीं है, या फिर लैपटॉप गिर भी गया टेबल वगैरह से तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि गाइस इसमें आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इसका जो डिस्प्ले का रेशियो की बात करें तो गाइस 16:10 का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं एग्जैक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या आप लोगों को इस डिस्प्ले में मिल जाती है, तो गाइस मैं बता दूं इस डिस्प्ले में आप लोगों को मिल जाता है सबसे पहले तो ये गाइस 4-sided InfinityEdge डिस्प्ले है, जो कि इसको Eyesafe डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत ही मिनिमल बेजल्स के साथ बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही कूल दिखता है। और गाइस सबसे पहले अब बात करें मेन जो डिस्प्ले का जो फीचर है वो है गाइस इसमें 4K अल्ट्रा HD प्लस डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाता है, जिसमें रिजोल्यूशन है 3840x2400 बेसिकली रिजोल्यूशन मिल जाता है। और टच डिस्प्ले है, तो बेसिकली टच स्क्रीन डिस्प्ले है, जो कि आप लोगों को और भी अच्छा बनाने वाला है। और इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है गाइस, क्योंकि गाइस इसमें आप लोगों को 100% Adobe RGB मिल जाते हैं, फिर 94% DCI P3 कलर गैमेट भी मिल जाता है, और पीक ब्राइटनेस जो है इसका 500 यूनिट्स तक है। तो गाइस बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, बिल्कुल प्रीमियम डिस्प्ले है, मैकबुक अगर आप यूज़ किए तो उससे भी ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है, क्योंकि मैकबुक में भी गाइस आप लोगों को इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं मिलता था। वहाँ पे 4K डिस्प्ले ऑफकोर्स मिल जाता था आप लोगों को हायर वेरिएंट्स में, पर इसमें 4K के साथ साथ और भी अमेजिंग फीचर्स है इसके डिस्प्ले में, तो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है इस लैपटॉप में। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो क्या क्या आप लोगों को अंदर में स्पेसिफिकेशंस मिल जाता है। तो गाइस सबसे पहले तो ये गाइस लैपटॉप आपको जो मिल जाता है वो है 10th जनरेशन इंटेल कोर i7 में। और गाइस जैसा कि नाम से ही आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे, क्योंकि गाइस इसका जो लैपटॉप का नाम ही है डेल XPS i17, तो बेसिकली 17 i7 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसमें गाइस 10th जनरेशन का इंटेल कोर i7 प्रोसेसर मिला है। ये थोड़ा सा डाउनग्रेड आप ज़रूर समझोगे, क्योंकि गाइस i9 अभी लेटेस्ट चल रहा है
पर इसमें आप लोगों को i7 मिल रहा है, पर फिर भी ज़्यादा कुछ डाउनग्रेड नहीं है, क्योंकि गाइस 10 जनरेशन i7 भी i9 को मुकाबले में ज़्यादा कोई आप लोगों को परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं मिल जाता है, नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप 10 जनरेशन का i7 खरीद रहे हो और i9 खरीद रहे हो नॉर्मल 9 जनरेशन या फिर 8 जनरेशन का, तो 10 जनरेशन का i7 बेटर परफॉर्म करेगा i9 से भी ज़्यादा। और अगर आप 10 जनरेशन का ही i9 भी ले रहे हो, तब ऑब्वियसली i9 ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। अब किस बात करें, इसमें आप लोगों को जो GPU मिल जाता है, जो कि मेन लोग खरीदते हैं गेमिंग के लिए, मोस्ट ऑफ द कॉस्टली लैपटॉप्स लोग गेमिंग के लिए ही खरीदते हैं, तो इसमें जो गाइस GPU मिल जाता है वो भी बहुत ही हाई नहीं मिल जाता है, जो कि गाइस GTX NVIDIA का GTX 650 Ti का GPU मिल जाता है। और भी ऑप्शंस अवेलेबल आएंगे, मतलब कि फ़िलहाल के लिए अभी तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, फ्यूचर में और भी ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं, जैसे कि गाइस NVIDIA का RTX 2060 GPU। तो बेसिकली गाइस GPU बहुत ही हायर वेरिएंट तो नहीं इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि गाइस लैपटॉप है और बहुत ही स्लिम डिज़ाइन है, बहुत ही पोर्टेबल सा है, तो बहुत ही हाई GPU एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस थर्मल हीट वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगा, हीटिंग कूलिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस इसीलिए जो GPU भी लगा है वो इसके लैपटॉप की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही लगा है। और बेसिकली गाइस ये भी GPU कोई कम नहीं है, आप लोगों को ट्रिपल ए टाइटल्स 1080p रेजोल्यूशन में आराम से चलने वाला है। और ऑफ कोर्स गाइस अगर पूरा ट्रिपल ए टाइटल्स जो भी है नया गेम वो अगर आप 4K में खेलना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं होगा इस लैपटॉप में, पर 1080 में आराम से खेल पाओगे। और गाइस अगर GTA 5 वगैरह जैसे गेम खेल रहे हो तो आराम से 60+ FPS तो अचीव कर ही लोगे। अब गाइस बात करें इसमें जो भी RAM वगैरह मिल जाता है वो है अप टू 32 GB तक RAM का सपोर्ट मिल जाता है, फिर वाईफाई कार्ड वगैरह तो नॉर्मल सभी लैपटॉप में होता ही है, फिर थंडरबोल्ट 3 का भी पोर्ट मिल जाता है, और फिर फुल साइज SD कार्ड का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप लोग कोई फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, वीडियो शूट करते हो, जिसके आपके पास अगर कैमरा है, तो इमीडिएटली बहुत सारे लैपटॉप में आजकल नहीं मिल रहा है SD कार्ड का स्लॉट, पर इसमें गाइस आप लोगों को SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस इसमें आप लोगों को मिल जाता है फिर 35mm का हेडफोन जैक और माइक्रोफोन भी मिल जाता है। और इसका जो बैटरी की बात करें तो गाइस इसमें आप लोगों को 97 वाट आवर का बैटरी यूनिट मिल जाता है, जो कि इस लैपटॉप को बहुत ही ज़्यादा 10 आवर्स 12 आवर्स तक तो आराम से आप यूज़ कर पाओगे इस लैपटॉप को। अब गाइस इसके स्पीकर में बात करें तो गाइस इसमें आप लोगों को 2.5 वाट का स्टीरियो सबवूफर मिल जाता है, और फिर 1.5 वाट का स्टीरियो ट्विटर भी मिल जाता है, जो कि इसका जो आउटपुट स्पीकर को और भी बेहतर बनाता है। और इसमें गाइस आप लोगों को मिल जाता है और भी एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे कि गाइस आप लोगों को इसमें वेव्स NX 3D ऑडियो मिलता है, फिर इम्प्रूव थर्मल डिज़ाइन मिलता है, क्योंकि इसमें GPU बहुत ही एडवांस नहीं है, मतलब मैक्स वर्जन नहीं है इसीलिए, और कोर थर्मल इंस्टॉलेशन सिस्टम भी मिलता है, फिर विंडोज़ हेलो फेशियल रिकॉग्निशन भी मिलता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स और भी आप लोगों को मिलते हैं। अब गाइस मेन बात करते हैं इसके प्राइस एंड रिलीज डेट के बारे में, जो कि गाइस सब लोग जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस इसके रिलीज डेट की बात करते हैं, तो गाइस ये रिलीज ऑलरेडी पिछले मंथ हो गया था, i7 एंड i5 एंड i3 बेसिकली XPS 15 एंड 13 ये दोनों वर्जन्स अवे ऑलरेडी रिलीज़ हो गया था गाइस पिछले महीने। और ये जो i17 वर्जन है XPS 17 वो भी ऑलरेडी रिलीज़ हो गया था, पर इंडिया में नहीं आया था, बेसिकली US में रिलीज़ हो गया था और सेल के लिए भी अवेलेबल था, लोग खरीद रहे थे, पर गाइस आज ही इस दिन बेसिकली ये XPS 17 लॉन्च हो चुका है इंडिया में भी, तो इंडिया में यूजर्स भी आप बाई कर सकते हो Amazon से, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी आप चाहो इसे बाय कर सकते हो, या फिर डेल के ऑफिशियल वेबसाइट में या फिर स्टोर में कहीं से भी आप इसे बाय कर सकते हो बेसिकली आज के बाद से। और गाइस इसकी प्राइस की बात करें तो गाइस प्राइस इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गाइस इसका जो प्राइस है वो है गाइस 2,09,500 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST's, तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्राइस है इस लैपटॉप के लिए, तो गाइस अल्टीमेट वैल्यू फॉर मनी ये लैपटॉप नहीं है। बेसिकली गाइज इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता है, इंस्टेड आप गाइज 2 लाख में बहुत ही अमेजिंग कस्टम
पीसीज वगैरह बिल्ड कर पाओगे 2 लाख के अंडर में, बहुत ही अमेजिंग, जिसमें गाइस आप लोग RTX 2080 लगा सकते हो, आई मीन 2080 Ti तो नहीं जा सकते, 2080 सुपर वगैरह आप आराम से जा सकते हो, और बहुत सारे बहुत ही अमेजिंग i9 कोर प्रोसेसर वगैरह लगा सकते हो आप 2 लाख में, बहुत ही अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो। पर गाइस इसमें आप लोगों को सिर्फ मिनिमम परफॉर्मेंस में आप लोगों को मिल रहा है 2 लाख, तो प्राइस के मामले में ये ज़रूर से थोड़ा हाई है ये गाइस लैपटॉप। पर गाइस ये जो लैपटॉप है ये मेन प्राइसिंग है इसके डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले जैसे कि मैंने बताया बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, 4K UHD प्लस डिस्प्ले। तो मेरे ओपिनियन में गाइस अगर मैं बात करूँ ये लैपटॉप गेमिंग के लिए तो नहीं है, अगर आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह करना चाहते हो जैसे कि मतलब कभी कभी मेन आपका जो इंटेंशन है इस लैपटॉप को खरीदने का वो गेमिंग नहीं है, मेन इंटेंशन है प्रोडक्टिविटी वर्क या फिर एडिटिंग वर्क, तो ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर लेगा एडिटिंग वगैरह। और इसीलिए बेसिकली आप लोगों को एडिटिंग के लिए ही, स्पेशली अगर आप फोटोशॉप वगैरह करते हो जिसमें कलर्स वगैरह से खेलना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो, तो गाइस इसमें आप लोगों को डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिल जाता है, 4K एडिटिंग कर पाओगे और 4K बहुत ही अच्छा आप लोगों को कलर्स वगैरह दिखेगा। तो बेसिकली गाइस ये एडिटिंग के लिए ही रिग है, गेमिंग के लिए नहीं है, पर फिर भी आप थोड़ा मोड़ा गेमिंग तो कर ही सकते हो। तो मेरे ओपिनियन में गाइस अगर आपको पास बजट, आपके पास ठीक ही ठाक बजट है, मोटा बजट है, तो आप ये एडिटिंग रिग एडिटिंग लैपटॉप और अल्ट्रा पोर्टेबल एडिटिंग लैपटॉप बेसिकली आप खरीद सकते हो अगर आपके पास अच्छा सा बजट है। तो वेल गाइज यही थे इस लैपटॉप के बारे में मेरे ओपिनियन और प्राइस वगैरह सब कुछ डिटेल्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई गाइज तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और कमेंट में बताना अपने ओपिनियन इस लैपटॉप के बारे में, इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में कुछ भी बता सकते हो कमेंट में। और गाइज शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और गाइज चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक की अपडेट्स डेली लाता रहता हूँ जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और गाइज हम लोग बहुत ही करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।